राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम। आओ भैया आओ। आपका खेती किसानी में क्या चल रहा है भैया? आज हम किसी में पहले पानी लगा रहे हैं। आप गेहूं में कितने पानी देते हो भैया? किसी में हम 5 पानी दिए थे। आप गेहूं में 5 पानी देते हो, आप ऐसा प्रबंध क्यों करते हो? हम गेहूं में पानी को प्रबंध जाके मारे कराते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधा अच्छी तरह से वृद्धि कर सके और पौधे में बहुत सी शाखाएँ निकलें और पौधा खूब झब्बादार बन सके और बहुत से फूल भी ज़्यादा निकलाते हैं और दाने भी अच्छे। गेहूँ की फसल में आप कब पानी देते हो और कौन कौन सी अवस्थाओं में पानी देते हो? पहले पानी 20 से 25 दिन में दिए थे, कैसे कि जो अवस्था में पौधे में जड़ा बनने लगा था। और भैया दूसरों पानी 40 से 45 दिन की में दिए थे, कैसे कि जो अवस्था में पौधा अच्छी वृद्धि करा था। तीसरों पानी 70 से 75 दिन में दिए थे, कैसे कि जो अवस्था में बालियाँ ने बनल लगा था। चौथा पानी भैया 90 से 95 दिन में दिए थे, जो अवस्था में दाने में दूध बनल लगा था। पाँचवा पानी भैया 110 दिन में दौ जाता है तो जहाँ में दानों पकड़ लगा था। रतन जी, किसी किसान के पास एक ही पानी है तो वह पानी कब देना चाहिए? भैया 20 से 25 दिन की अवस्था में पानी दे देना चाहिए। पहली अवस्था जो CRI स्टेज कहलात है, जावस्था में गेहूं में जड़ें बनने लगा थे, अगर जावस्था में अगर हम पानी न दें तो जा से हमें कौन सी हानि होती? जावस्था में अगर पानी नहीं दें भैया तो 1 हेक्टर में 2 से 3 प्रति क्विंटल उपज कम जात। अगर किसी किसान के पास 2 पानी है तो वह कौन कौन सी अवस्था में पानी देना चाहिए? भैया पहले पानी 20 से 25 दिन में देना चाहिए और दूसरा पानी 70 से 75 दिन में देना चाहिए। आज आपने हमें गेहूं में पानी के प्रबंध के बारे में बताया और गेहूं में किस प्रकार पानी देना चाहिए, अब आप हमें इसके फायदे बताइए। हमें यह फायदे हैं, इससे पौधों में जड़ें अच्छी बनती हैं, फूल ज़्यादा निकलते हैं, बालियाँ ज़्यादा निकलती हैं और उत्पादन ज़्यादा मिलता है। आपने हमें गेहूं में पानी के प्रबंधन के बारे में बताया, अब आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। आपको मैं यही बताना चाहता हूं, आप इसी विधि से गेहूं में पानी करें और ज़्यादा फायदा लें। रतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें गेहूं में पानी के प्रबंधन के बारे में बताया व उसके फायदे के बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई इसी विधि को अपनाएंगे और अधिक से अधिक फायदा लेंगे। भैया राम राम। राम राम भैया। राम राम।